हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल गाइस। सो दिस इज द फोर्थ लेक्चर, फोर्थ वीडियो ऑफ मॉक टेस्ट, ओके, फॉर द यूनिट 4। एंड वी हैव डिस्कस अर्लियर यूनिट 1 मॉक टेस्ट, यूनिट 2 मॉक टेस्ट और यूनिट 3 मॉक टेस्ट। सो जिसने भी ये वीडियो नहीं देखे, शुरुआत के 3 वीडियो आप इसको प्लेलिस्ट में जाकर विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम होगा 2021 मॉक टेस्ट क्विक रिवीजन, ओके, उसको क्लिक करना और वहाँ पर सभी आपको यूनिट वाइज जो है मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, उनको आप पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके गाइस, सो नाउ लेट स्टार्ट। सो इन दिस वीडियो वी विल कवर यूनिट 4। बिफोर बिगिन, दिस इज ऑल अबाउट मी, हियर इज द डिटेल ऑफ कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी एंड टेलीग्राम चैनल। अगर आपको कोई कोर्स ज्वाइन करना है तो इस नंबर पर टेक्स्ट कर सकते हैं। एंड आल्सो प्लीज ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल, सोशल वर्क एजुकेशन पोर्टल। ये आपको इसको लिंक नीचे आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जो भी इन्फॉर्मेशन होती है रिगार्डिंग दी सोशल वर्क यूजीसी नेट, वो सभी की सभी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर देता हूँ, सभी नोटिफिकेशन, वीडियो लिंक और क्विज वगैरह सब कुछ इसमें। सो इसको आप ज्वाइन कर लेना, नीचे इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ओके, नाउ लेट स्टार्ट। सो बिफोर बिगिन, दिस इज द एप्लीकेशन गाइज। ये एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। CPLF क्लासेस के नाम से सर्च कर सकते हो डायरेक्टली, या इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके डायरेक्ट इसको डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं। ये कोर्सेस हैं, डायरेक्टली आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, प्रैक्टिस के लिए। नाउ लेट स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, द फर्स्ट क्वेश्चन, हिस्टोरिकली सोशल पॉलिसी रिलेटेड टू, आपको बताना है कि अगर हम देखें ऐतिहासिक रूप में कि ट्रेडिशनली जो सामाजिक नीति हुआ करती थी वो किससे संबंधित है, किससे रिलेटेड है। पहला ऑप्शन है अबाउट इंटरवेंशन ऑफ सोशली रीडिस्ट्रीब्यूटिव काइंड, ओके। सेकंड ऑप्शन सोशल रेगुलेटरी काइंड, ओके, समाज को रेगुलेट करना, रेगुलेट करना, राइट। एंड सोशल राइट्स, सामाजिक अधिकारों के लिए, एंड ऑल द अबव, या सभी के सभी ऑप्शन जो है करेक्ट हैं। अगर हम बात करें हिस्टोरिकली या ट्रेडिशनली जो सोशल पॉलिसी हुआ करती थी, ओके, उसका मेन फोकस था कैसे हम सोशल नीड्स को पूरा करें, राइट, या जो भी लोगों की कम्युनिटी की जो नीड्स हैं उनको पूरा करना, उनको कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, ओके, किस प्रकार से उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सोशल एड कैसे दे सकते हैं, सहायता कैसे करना है, कैसे सर्विस प्रोवाइड करनी है सभी लोगों को। तो बेसिकली फोकस हुआ करता था वेलफेयर ऑफ पीपल, ठीक है, सोशल वेलफेयर काइंड ऑफ और सोशल वेलबींग ऑफ द पीपल। सो ट्रेडिशनली और आज भी सोशल पॉलिसी का यही कर्तव्य, यही फोकस होता है। सो ये सभी के सभी आंसर करेक्ट है, सोशली रिडिस्ट्रीब्यूशन काइंड, रेगुलेट करना, अधिकारों की बात करना, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन देंगे आपको सभी को सॉल्व करना है और लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके कितने आंसर करेक्ट हो रहे हैं, ओके। आउट ऑफ 33 क्वेश्चन होंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ये दिस इज द एक्सप्लेनेशन, इसको आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर द रोल्स ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर, आपको बताना है कि जो कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज करता है, आयोजक होता है जो, उसका क्या रोल होता है, क्या उसकी भूमिका होती है कम्युनिटी के अंदर, ओके। कम्युनिकेटर एंड द काउंसलर, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर का मतलब होता है यहाँ पर एक सोशल वर्कर, ओके, जो कि पूरी कम्युनिटी को एक प्लेटफॉर्म पर लाता है, उनको एक प्लेटफॉर्म देता है जिसके माध्यम से कम्युनिटी अपनी जो उनकी रिक्वायरमेंट है, जो नीड्स है, उनको फुलफिल करने के लिए कोशिश करते हैं या फिर ऑर्गेनाइज होते हैं, एफर्ट करते हैं। सो हियर कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर इज सोशल वर्कर विच प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म। सो उसका रोल क्या होता है, एज ए कम्युनिकेटर, बातचीत करना, डिस्कशन करना लोगों के साथ, काउंसलर, लोगों को काउंसलिंग देना, बताना, सलाह देना, इनेबलर एंड एनिमेटर, इनेबल करना, गाइड करना, एंड द कैटलिस्ट एंड द ऑल द अबव। सो कौन सा आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए, हम बात करें सोशल वर्कर की, तो कम्युनिटी में मेन फोकस उसका होता है कि कैसे हम कम्युनिटी को एक साथ लाएँ, उससे कम्युनिकेट करना, काउंसलिंग करना, उनको बताना, समझाना, ओके, इनेबल करना कम लोगों को, ताकि वो एक प्लेटफॉर्म पर सभी मिलकर के आ जाए। सो ये सभी के सभी आंसर करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द स्किल्स ऑफ द इफेक्टिव कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर, आपको बताना। जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर के बारे में, सोशल वर्कर व्हिच इज, ओके, एज अ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर व्हिच ऑर्गेनाइज द कम्युनिटी, एंड सो व्हाट आर द स्किल्स दैट शुड हैव द इफेक्टिव कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर। प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम एनालिसिस, समस्याओं का विश्लेषण करना, अच्छे से समझना क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है। रिसोर्स मोबिलाइजेशन, संसाधनों को जुटाना, मोबिलाइज करना, जो इंडिजिनस रिसोर्सेज है या फिर जो एजेंसी के द्वारा रिसोर्स दिए गए हैं
उनको सही से मोबिलाइज करना, उनको जुटाना। कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, जो भी संघर्ष है, जो झगड़ा है, कन्फ्लिक्ट है, उसको रिजॉल्व करना, ओके, सॉल्व करना। ये सभी की सभी स्किल्स होनी चाहिए एक इफेक्टिव कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर के पास, ये कौशल होना चाहिए। तो सभी के सभी आंसर करेक्ट है, डी विल बी करेक्ट आंसर। दीज आर द स्किल्स एंड द नॉलेज शुड हैव एवरी इफेक्टिव कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर टू ऑर्गेनाइज कम्युनिटी, ओके, सो डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। द बुक एडवर्ड लिनमैन एंड सोशल वर्क फिलासफी वॉज रिटन बाई, आपको बताना है ये जो पुस्तक है इसका नाम है एडवर्ड लिनमैन एंड सोशल वर्क फिलासफी किसके द्वारा लिखित है, किसके द्वारा लिखी गई है। गैसेला कोनपका, मैरी रिचमंड, रिचर्ड थॉमस एंड एम जी रॉस। सो बताइए कौन सा आंसर करेक्ट होगा। यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो और आंसर बता सकते हैं एंड काउंट करते हैं, आपको जाना है कितने टोटल आपके हो रहे हैं इस करेक्ट। सो द राइट आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट, गैसेला कोनपका इज द राइट आंसर, इनके द्वारा ये पुस्तक को लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 5। व्हिच ऑर्गेनाइजेशन वाज सेट अप इन 1956 टू कोऑर्डिनेट एंड प्रमोट हेल्थ एजुकेशन, ओके, आपको बताना है कि स्वास्थ्य शिक्षा, शिक्षा दैट इज रिलेटेड टू स्वास्थ्य हेल्थ, किसके द्वारा इसको प्रमोट किया गया, कोऑर्डिनेट किया गया 1956 में, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, किस संस्थान के द्वारा। यहाँ पर फोर गिवन, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन दी गई है, आपको बताना है कौन सा करेक्ट होगा। द सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो, CHEB, नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग ब्यूरो NNMB एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर, इसको PHC बोलते हैं, एंड इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR। सो विच आंसर विल बी करेक्ट, इसके द्वारा बेसिकली ये हेल्थ एजुकेशन को प्रमोट किया गया, कोऑर्डिनेट किया गया उसको, ओके, 1956 में। सो विच आंसर इज करेक्ट, द राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट दैट इज CHEB के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया, इसको प्रमोट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। द ऑथर ऑफ द बुक फ्रॉम चैरिटी टू सोशल वर्क इज रिटन बाय, आपको बताना है कि जो पुस्तक का नाम है फ्रॉम चैरिटी टू सोशल वर्क किसके द्वारा लिखी गई है। एलिजाबेथ एंड एग्नी एंड जैन एडम्स, मैरी रिचमंड, फ्रेडलैंड डब्ल्यू। सो विच आंसर इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जनरली ऑप्शन नंबर सी रखता है, यही आता है, बट इसमें जो ऑप्शन दिया है एलिजाबेथ एंड एग्नी, इन दोनों के द्वारा ही जो है पुस्तक लिखी गई है, ओके, प्लस मैरी रिचमंड। इफ यू सर्च यू विल फाइंड दोनों ही आंसर करेक्ट है, ओके, बट जनरली यही आंसर रहता है उसमें ऑप्शन में, सो आप इसको मार्क कर सकते हैं, दिस इज ऑल्सो द राइट, दोनों के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड बाय सेटअप इन, आपको बताना है कि जो केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड है इसको कब गठित किया गया था, किस ईयर में, इन विच ईयर दिस बोर्ड इस्टेब्लिश दैट इज सेंट्रल सोशल वेलफेयर, वेलफेयर के लिए 1953, 1965, 1950 एंड 1951। सो द राइट आंसर, व्हेन दिस सेंट्रल सोशल बोर्ड, केंद्रीय समाज कल्याण विभाग बनाया गया था 1953 में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इन इंडिया इन विच ईयर, आपको बताना है भारत सरकार के द्वारा इंडिया में पहली बार सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किए गए थे किस साल में, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम CDP कब इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया के अंदर सरकार के द्वारा। सो ऑप्शन राइट कौन सा होगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, इंडिया के द्वारा इसको 1952 में स्टार्ट किया गया था। इसका जो फोकस था CDP का, ऑन दी रूरल कम्युनिटी, रूरल डेवलपमेंट, बाद में जो प्रोफेशनल सोशल वर्कर थे, ओके, उनका वो ज़्यादा फोकस किया उन्होंने रूरल एरिया, अर्बन एरिया में, राइट, बट द स्टार्टिंग ऑफ द CDP फोकस ऑन द रूरल कम्युनिटी। हियर इज द एक्सप्लेनेशन, यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट आर द डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ जस्टिस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हम बात करें भारतीय संविधान में जो जस्टिस की बात की गई है, न्याय की बात की गई है, तो व्हाट आर द डिस्टिंक्ट फॉर्म, किस प्रकार का न्याय की बात कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार, जैसे जस्टिस एम्पावरमेंट वेलबींग, देखिए जस्टिस तो होगा नहीं, अगर अभी जस्टिस लगा हुआ है अभी तो ये गलत हो जाएगा। सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल, जिसको आप बोल सकते हैं सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक, ऑप्शन नंबर सी दिया है सोशल साइकोलॉजिकल इमोशनल,
मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक रूप से जस्टिस, तो आई थिंक ये भी नहीं होगा। ओके, इमोशनल साइकोलॉजिकल, ये जस्टिस कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखे हैं, राइट। सोशल, एजुकेशनल और जुडिशियल। सो आपके पास दो ऑप्शन है, बी एंड डी, कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? सो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन और लास्ट ईयर में आया हुआ तो क्वेश्चन है शायद 2019 में यहाँ पर। सो बी विल बी राइट आंसर, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हु वॉज द फर्स्ट प्रोफेसर ऑफ सोशल एडमिनिस्ट्रेशन अपॉइंटेड बाई द लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। आपको बताना है कि पहले प्रोफेसर का नाम बताइए ऑफ सोशल एडमिनिस्ट्रेशन जिनको अपॉइंट किया गया था लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। रिचर्ड टिटमस, अल्कोक, मिलर एंड दी जॉर्ज। सो विच आंसर इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 10? एंड द राइट आंसर इज, यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो और इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रिचर्ड टिटमस के जो है अपॉइंट हुए थे एज ए फर्स्ट सोशल एडमिनिस्ट्रेशन प्रोफेसर इन द स्कूल ऑफ लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, दिस इज द असर्शन इन क्वेश्चन। इसको पढ़ना है अच्छे से और इसका आंसर देना है। इसमें बोला गया है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स लिविंग इन अ ज्योग्राफिकल एरिया इज कॉल्ड एज कम्युनिटी। इन्हें बताया कि एक एरिया है, ज्योग्राफिकल एरिया, इसके अंदर जो लोग रहते हैं, ओके, इस पूरी एंटिटी को बोला जाता है कम्युनिटी। तो क्या सही है? दूसरा इसका रीजन दिया गया है कि कम्युनिटी शेयर विद सेम फिजिकल इन्वायरमेंट। अब इसको जस्टिफाई कर रहा है क्या ये जो असर्शन है, ये जो रीजन है असर्शन को, कि कम्युनिटी जो है शेयर करती है सेम फिजिकल इन्वायरमेंट। ऑफकोर्स एक कम्युनिटी है, एक पर्टिकुलर फिक्स बाउंड्री में रहती है, इसके अंदर छोटी कम्युनिटी होती है, ओके, दे शेयर कल्चर, दे शेयर कस्टम, दे शेयर एवरीथिंग, राइट, लैंग्वेज, भाषा, सब कुछ एक जैसा होता है, एक ही फिजिकल इन्वायरमेंट में रहते हैं। तो ये भी रीजन भी करेक्ट है। सो फर्स्ट ऑप्शन इसका आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हु रोट दी प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ। ये पुस्तक जो है, द प्रेजेंटेशन ऑफ द सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में अपने आप को प्रस्तुत करना, प्रेजेंट करना अपने लाइफ के बारे में, 1959 में इसको लिखा गया था। ये पुस्तक के जो लेखक कौन है, कार्फिनकल, गॉफमैन, गुलेन एंड गुलेन, गिडिंग्स, ये मिस्टर गुलिंग एंड मिसेस गुलिंग होंगे, इसलिए दोनों का नाम एक साथ लिखा हुआ है। विच आंसर इज करेक्ट? सो राइट आंसर इज गॉफमैन, बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ओके, टोटल क्वेश्चन 33 है, आप काउंट करते जाना कितना हो रहा है। व्हाइल ग्रोइंग अप, देखिए काउंट करने का मेरा फोकस ये होता है कि ओके, आप अगर कमेंट नहीं करेंगे तो कोई इशू नहीं, बट एटलीस्ट आपको ये देखना है कि आपके 70% जो है क्वेश्चन सही हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, राइट। इससे आइडिया लगेगा, क्योंकि कट ऑफ 70% गया था लास्ट ईयर, 70-72, तो एटलीस्ट आपको 70% का गोल लेके चलना है। और जितने भी आप क्वेश्चन करें, 10 क्वेश्चन करें तो आपको सही 7 करना चाहिए, राइट। अगर 20 क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको लगभग ऐसे 14 क्वेश्चन करने चाहिए सही। तो ये आपको सोच के चलना है, इसलिए मैं काउंट करने के लिए बोलता हूँ बार बार, ओके। सो व्हाइल ग्रोइंग अप अ चाइल्ड पासिस थ्रू सेवरल स्टेज व्हिच आर डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ द सोशलाइजेशन प्रोसेस। इसमें ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो है प्रोसेस, कौन सा स्टेज नहीं है, ओके। जब बच्चा बड़ा होता है तो कई चरणों से गुजरता है सोशलाइजेशन के, जिसको बोलते हैं समाजीकरण, ओके, जो कि समाज से सीखता है। कौन कौन सा इसमें से नहीं है, नॉट दी स्टेज ऑफ सोशलाइजेशन, नामकरण, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम एंड संन्यास। सो विच इज नॉट दी स्टेज ऑफ सोशलाइजेशन? सो राइट आंसर विल बी, देखिए ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ आश्रम भी है, ब्रह्मचर्य में आप शिक्षा एजुकेशन होती है, ये भी सोशलाइजेशन का हिस्सा होता है, गृहस्थ जीवन भी है, ये तो सोशलाइजेशन का हिस्सा है ही, संन्यास में भी लास्ट आफ्टर प्लस 60-65, ये भी इसमें कुछ ना कुछ तो सीखता ही इंसान, ओके। सो यहाँ पर वानप्रस्थ नहीं दिया गया है, वानप्रस्थ एक चरण और होता है, जो कि इसमें नहीं है। सो नामकरण बेसिकली सोशलाइजेशन नहीं है, ये तो नामकरण एक रिचुअल है, इन दिस काइंड ऑफ रिचुअल। सो फर्स्ट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 14, सोशल प्लानिंग इज अ, आपको बताना है कि सोशल प्लानिंग क्या है, सामाजिक नियोजन बोलते हैं या उसको योजना बोलते हैं, सोशल प्लानिंग क्या है, कॉन्शियस एंड डेलिबरेट एफर्ट टू ब्रिंग अबाउट चेंज, समाज में कुछ बदलाव करने के लिए जानबूझकर, ओके, एक परिवर्तन लाने के लिए एक जागरूक रूप से एफर्ट किया जाता है, सोची समझी कोशिश है जिसके माध्यम से समाज में बदलाव आता है,
अनकॉन्शियस एंड एक्सीडेंटल एफर्ट टू ब्रिंग अबाउट चेंज। ओके, परिवर्तन लाने के लिए एक आकस्मिक बोल सकते हैं कि जो चेंज हो रहा है वो अचानक हो रहा है, उसके पीछे कोई कारण नहीं है, ये अनकॉन्शियस है, एक्सीडेंटल है, हो गया तो हो गया बस इस प्रकार का। एंड स्पॉट एक एफर्ट टू ब्रिंग अबाउट चेंज इन द इकॉनमी अलोन। आपको इसमें ये दिया गया है कि केवल अर्थव्यवस्था में जो बदलाव आ रहा है उसी की बात कर रहे हैं, मतलब छोटा मोटा बदलाव, एंड नन ऑफ द अबव। सो विच आंसर इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ऑफ कोर्स अगर बात करें प्लानिंग की, तो प्लानिंग ऑलरेडी कॉन्शियस ही होती है। ओके, आप कोई भी प्लानिंग करते हैं, आप स्टडी करना है तो प्लानिंग करेंगे तो कॉन्शियस होकर ही तो करेंगे ना, एक चेतक मन से, तो जो अनकॉन्शियस लिखा है तो होगा नहीं। और यहाँ पर बात की जा रही है इकोनॉमी अलोन, तो केवल इकोनॉमिक डेवलपमेंट या बोल सकते हैं कि प्लानिंग नहीं होती, सब कुछ सभी एस्पेक्ट कवर होते हैं सोशल प्लानिंग में। सो ये भी गलत हो जाएगा, केवल फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कॉन्शियस एंड डेलिबरेट एफर्ट। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। हु इज द फर्स्ट पर्सन एस्टैब्लिश द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन इन द सोशल वर्क। आपको बताना है कि समाज कार्य में सामाजिक संगठन के सिद्धांतों की स्थापना करने वाले पहले इंसान, पहले व्यक्ति कौन थे, फर्स्ट पर्सन। एडवर्ड लिनमैन, गैसेला कोनोपका, यहाँ पर गलत लग गया है थोड़ा सा, एंड डोरोथिया डिक्स एंड एम जी रॉस। सो विच आंसर इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 15। द राइट आंसर विल बी द फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, एडवर्ड लिनमैन, जो कि पहले पर्सन थे, पहले व्यक्ति थे जिनके द्वारा कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल को गठित किया गया था या इस्टेब्लिश किया गया था, लिखा गया था, एडवर्ड लिनमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। द बुक एडवर्ड लिनमैन एंड सोशल वर्क फिलॉसफी वाज रिटन बाय, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, एडवर्ड लिनमैन एंड सोशल वर्क फिलॉसफी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गैसेला कोनोपका, मैरी रिचमंड, रिचर्ड थॉमस, एम जी रॉस। सो विच आंसर इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। द राइट आंसर कौन सा होगा, कोनोपका, फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा, जी कोनोपका इज द राइट आंसर, इनके द्वारा पुस्तक को लिखा गया है, एडवर्ड लिनमैन एंड सोशल वर्क फिलॉसफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। व्हिच इज द कंसीडर द फर्स्ट बुक, पहली पुस्तक ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, सोशल डायग्नोसिस जो कि मैनेजमेंट के द्वारा लिखी गई, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन जो कि एम जी रॉस के द्वारा, कम्युनिटी जो कि एडवर्ड लिनमैन के द्वारा लिखी गई, और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट जो कि एडवर्ड जेरोस जेरोहिम इरिन एस एन रोलिम के द्वारा लिखी गई। सो कौन सा आंसर करेक्ट होगा, राइट आंसर विल बी कम्युनिटी, एडवर्ड सी लिनमैन के द्वारा, दिस इज द फर्स्ट बुक, द फर्स्ट बुक ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। हु कॉइन द टर्म सोशल एक्शन फर्स्ट टाइम इन सोशल वर्क, समाज कार्य में पहली बार ये जो टर्म है सोशल एक्शन किसके द्वारा कॉइन की गई थी, गढ़ी गई थी, सोशल एक्शन इसको हम बोलते हैं सामाजिक कार्यवाही, सामाजिक एक्शन। मैरी रिचमंड, एडवर्ड लिनमैन, गैसेला कोनोपका एंड लुगी कैवेस्ट्रो। सो विच आंसर आंसर इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 18। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी फर्स्ट, मैरी रिचमंड इज द राइट आंसर, इन्हीं के द्वारा पहली बार, फर्स्ट टाइम सोशल वर्क के अंदर सोशल एक्शन जो है टर्म जो है कॉइन की गई थी। वी हैव डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन द थ्योरी पार्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अकॉर्डिंग टू द प्लूरिस्टिक्स मॉडल ऑफ पावर स्ट्रक्चर। आपको बताना है कि इस मॉडल के अनुसार कौन सा जो है ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, सो इट रिजेक्ट द आइडिया दैट स्मॉल होमोजेनियस ग्रुप डोमिनेट कम्युनिटी डिसीजन मेकिंग। ये जो मॉडल है ये बता मतलब ये इस मॉडल में ये ऐसा माना गया है कि जो छोटे ग्रुप होते हैं, जो छोटे होमोजेनियस ग्रुप होते हैं, वो छोटी जो कम्युनिटी के डिसीजन होते हैं उसको डोमिनेट नहीं करते, या वो उनका उनमें से इतना ज़्यादा योगदान नहीं होता, वो निर्णय नहीं ले सकते, राइट। ये आइडिया को रिजेक्ट करता है प्लिस्टिक मॉडल। दूसरा ऑप्शन दिया है, ओके, इट अपोज द आइडिया दैट स्मॉल ग्रुप डोमिनेट कम्युनिटी डिसीजन मेकिंग, ये उसका आइडिया को अपोज करते हैं। ओके, तीसरा है इट एक्सपेक्ट्स द आइडिया दैट स्मॉल कम्युनिटी डोमिनेट द कम्युनिटीज। तीसरा ऑप्शन दिया गया है कि ये जो है इस पर विचार करते हैं, उनको ऐसा लगता है, अपेक्षा करते हैं कि जहाँ शायद छोटे जो समजातीय समूह होते हैं वो समुदाय के निर्णय ले सकते हैं या निर्णय लेने के लिए हावी होते हैं,
इट एम्पावर द आइडिया, और चौथा ऑप्शन है कि ये उसको एम्पावर करते हैं उस आइडिया को, कि छोटे जो होमोजेनस ग्रुप हैं या छोटे सजातीय समूह हैं उनको डिसीजन लेने चाहिए कमिटी के अंदर और उन पर हावी होते हैं। तो कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? प्लूरिस्टिक मॉडल ऑफ पावर स्ट्रक्चर। तो इसका फर्स्ट आंसर विल बी करेक्ट। ओके, ये इस आइडिया को रिजेक्ट करते हैं कि जो छोटे समूह होते हैं वो कम्युनिटी के जो डिसीजन मेकिंग पावर है, डिसीजन लेना होता है, वो उसमें डोमिनेट नहीं कर पाते, ये इस आइडिया को रिजेक्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिकोगनाइज कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एज अ लेजिटिमेट या लेजिटिमेट स्पेशलाइजेशन फॉर द सोशल वर्क एजुकेशन। क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा जा रहा है कि इनमें से चार ऑप्शन दिए हैं कि इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस बात पर दावा करती है, इसको रिकोगनाइज करती है कि जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है उनके पास अधिकार है, या बोल सकते हैं वो वैधानिक रूप से खास है, विशेषता है उनके पास सोशल वर्क एजुकेशन के लिए, सामाजिक सोशल वर्क की जो एजुकेशन शिक्षा है उसके लिए सोशल कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके पास वैधता है, वैध है, विशेषता है, ये किस संस्था के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है? NSW, NCSW, CSWE एंड NSSA। कौन सा आंसर हो जाएगा? सो द राइट आंसर विल बी, ये बेसिकली जो संस्था का नाम है, काउंसिल ऑन सोशल वर्क एजुकेशन। ओके, इस संस्था के द्वारा ऐसा माना गया है, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें जनरली जो प्रोफेशनल सोशल वर्कर होते हैं सभी रहते हैं, से अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या फिर अदर मेंबर, दे आर द पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। सो CSW इज द राइट आंसर, काउंसिल ऑफ सोशल वर्क एजुकेशन। इसके द्वारा ये मान्यता है, इसका ऐसा दे रिकोगनाइज दैट द सोशल जो सॉरी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन इज हैव द लेजिटिमाइट स्पेशलाइजेशन फॉर दिस सोशल वर्क एजुकेशन। ओके, सो सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके आपको यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, पढ़ सकते हैं। इसको फाउंड किया गया था 1952 में। ओके, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, काउंसिल ऑफ सोशल वर्क एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। अकॉर्डिंग टू स्पेस, आपको यहाँ पर फिल करना है चार ऑप्शन से, कौन सी थ्योरी है अ सोशल मूवमेंट विल बी मोर लाइकली टू सक्सीड इन क्रिएटिंग सोशल चेंज इफ इट कैन रेज फंड, अट्रैक्ट एंड ऑर्गेनाइज मेंबर एंड बिल्ड इफेक्टिव अलायंस विद अदर ग्रुप। किस थ्योरी में माना गया है कि वही सोशल मूवमेंट जो है सक्सेसफुल होगा अगर दे आर कैपेबल टू रेज फंड, अगर वो रेज फंड को रेज कर सकते हैं, धन जुटा सकते हैं और अदर मेंबर को जो है अट्रैक्ट कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, लोगों को एक अच्छी इफेक्टिव अलायंस बना सकते हैं दूसरे ग्रुप के साथ, डिफरेंट ग्रुपों के साथ, तो ये इस प्रकार का जो सोशल मूवमेंट होता है वो सफल हो जाता है। तो ये किस थ्योरी का ऐसा मानना है, बताइए कौन सा आंसर करेक्ट होगा? दैट इज द रिसोर्स मोबिलाइजेशन, फर्स्ट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। द मोड ऑफ पीपल इन टू और आउट ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया इज नोन एज। आपको बताना है कि ऐसा कुछ इसमें पूछा गया है, एसिमिलेशन, डिफ्यूजन, अकल्टरेशन, माइग्रेशन, उसको क्या बोलेंगे? मोड ऑफ पीपल इन टू और आउट ऑफ द जियोग्राफिक, मान लीजिए इस एरिया के बाहर है या कहीं से बाहर से आकर के इस जियोग्राफिकल एरिया के यहाँ रहते हैं। ओके, इस प्रकार से बोल सकते हैं, ये मे बी दे आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, दे आर लिविंग इन दिस पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया और दे आर मूविंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया टू अनदर प्लेस, सो दैट इज काउंटेड एज अ माइग्रेशन। डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। हु इज कंसिडर एज द वाटर गांधी ऑफ इंडिया। आपको बताना है कि किसको भारत का जल गांधी कहा जाता है, माना जाता है? राजेंद्र सिंह, बाबा आमटे, सुंदरलाल बहुगुणा एंड अन्ना हजारे। अन्ना हजारे तो नहीं है इसमें, इन्होंने करप्शन के लिए आंदोलन किया। सुंदरलाल बहुगुणा भी नहीं है। ओके, डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए। बाबा आमटे भी नहीं है। ओके, सो राइट आंसर विल बी राजेंद्र प्रसाद। अगर आपको नहीं पता है तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, आपको इजीली आंसर निकल सकता है। राइट, राजेंद्र सिंह इज द राइट आंसर, इनको वाटर गांधी माना जाता है। ओके, इन्होंने वाटर कंजर्वेशन के लिए बहुत ज़्यादा काम किया और इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। ये राजस्थान के हैं। ओके, इनको वाटर मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है, इसके लिए इनको डिफरेंट प्राइज भी मिले। ओके, हियर इज द एक्सप्लेनेशन, यू कैन सी हियर, दिस इज द राजेंद्र सिंह, इनको ये कम फ्रॉम दी राजस्थान एंड ऑल्सो नोन एज द वाटर मैन ऑफ इंडिया। यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस डिटेल ऑफ दिस पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। हु आइडेंटिफाई द एलीट एंड द पॉपुलर सोशल एक्शन एज टू टाइप्स ऑफ सोशल एक्शन।
दो प्रकार के सोशल जो एक्शन होते हैं मॉडल, पहला है एलीट, दूसरा है पॉपुलर सोशल एक्शन मॉडल। बताइए किसके द्वारा ये बोला गया। वी हैव डिस्कस इन दी थ्योरी पार्ट, द फर्स्ट वन एलीट सोशल एक्शन, सेकेंड वन दैट इज द पॉपुलर सोशल एक्शन। एलीट के अंदर तीन आते हैं, आपका एक लेजिस्लेटिव सोशल एक्शन मॉडल, दूसरा इकोनॉमिक सेंक्शन सोशल मॉडल, तीसरा आपका डायरेक्ट सोशल डायरेक्ट एक्शन मॉडल। इसी प्रकार से ये जो फिजिकल सॉरी पॉपुलर सोशल एक्शन मॉडल है, इसमें भी तीन आते हैं, डायरेक्ट मोबिलाइजेशन मॉडल और डायलेक्टिकल मॉडल और तीसरा कॉन्सेंट्राइजेशन मॉडल। तो ये किसके द्वारा दिया गया था? ब्रूटो के द्वारा। पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब वी हैव डिस्कस इन दी थ्योरी पार्ट ऑफ यूनिट 4, इसकी मैंने PDF भी शेयर की थी ग्रुप में। ओके, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। हियर द एक्सप्लेनेशन, दीज आर द मॉडल ऑफ सोशल एक्शन एंड दीज आर द मॉडल ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन गिवन बाय द रॉथमैन, लोकैलिटी डेवलपमेंट मॉडल, सोशल प्लानिंग, सोशल एक्शन। इनको अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम में आ सकता है। दीज आर द मॉडल ऑफ सोशल एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, हु हैड गिवन द मॉडल कॉन्सेंट्राइजेशन मॉडल ऑफ सोशल एक्शन। बताइए किसके द्वारा ये मॉडल दिया गया था? कॉन्सेंट्राइजेशन, इसका मतलब क्या होता है ये पता होना चाहिए आपको पहले। तो बताइए कौन सा आंसर होगा? पॉलो फियरी एंड हेरोल्ड स्पेंसर, एंटोनियो ग्रामसी एंड जेम एडम्स। सो विच आंसर इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 25, बेसिकली दिस इज द कॉन्सेंट्राइजेशन मॉडल, इसका मतलब होता है ये दिया गया था पॉलो फियरी के द्वारा। ओके, ये इसको बोलते हैं पॉलो फियरी मॉडल। कॉन्सेंट्राइजेशन का मतलब होता है काइंड ऑफ क्रिएट अवेयरनेस, दिस इज अ कंसेप्ट जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द मास, अमंग द पीपल, अमंग द कम्युनिटी थ्रू द एजुकेशन, लोगों को बताकर समझाकर एजुकेशन के माध्यम से, उसको बोला जाता है कॉन्सेंट्राइजेशन। ओके, काइंड ऑफ ये एक ऐसी बोल सकते हैं एबिलिटी है जिसके माध्यम से जो कम्युनिटी के लोग हैं वो सोशल प्रॉब्लम या जो भी प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, उसको समझते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं और उसके अगेंस्ट एक्शन ले लेते हैं जब वो एजुकेट होते हैं इस माध्यम से, थ्रू द कॉन्सेंट्राइजेशन मॉडल। सो ये गिवन बाय द फॉलो थियरी, फर्स्ट आंसर बिल्कुल करेक्ट। सो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो कॉन्सेंट्राइजेशन मतलब होता है एजुकेशन, थ्रू द एजुकेशन, लोगों को समझा कर बता करके पढ़ा करके कि क्या सही है क्या गलत है। सो हियर इज द एक्सप्लेनेशन, फॉलो थियरी मॉडल, इसको हम कॉन्सेंट्राइजेशन मॉडल बोलते हैं, इसका मतलब होता है क्रिएट अवेयरनेस थ्रू द एजुकेशन। फॉलो थियरी डेवलप द कंसेप्ट ऑफ कॉन्सेंट्राइजेशन विच मीन्स एजुकेटिंग द पीपल, लोगों को बताना समझाना बताना। सो कॉन्सेंट्राइजेशन इज द एबिलिटी टू क्रिटिकली परसीव द कॉज ऑफ सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल ऑपरेशन, जो भी समस्या है जो प्रॉब्लम है उसका कारण क्या है, उसको समझना, उसको जानना, उसको परसीव करना, उसके बाद फिर जो है एक्शन लेना अगेंस्ट द ऑप्रेसिव एलिमेंट ऑफ सोसाइटी, जिसकी वजह से समस्या है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है तो उसको खत्म करना। ये तरीका होता है एक काइंड ऑफ थ्रू द एजुकेशन, थ्रू द कॉन्सेंट्राइजेशन। इसलिए यहाँ पर इन्होंने कोट किया है, शिक्षा जो है, एजुकेशन डज नॉट ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड, शिक्षा दुनिया को तो नहीं बदल सकती है, बट एजुकेशन कैन चेंज द पीपल, शिक्षा के माध्यम से लोग बदल सकते हैं, लोगों को बदला जा सकता है और जो लोग लोग होंगे वो पीपल होंगे दैट कैन चेंज द वर्ल्ड, वो दुनिया को बदल देंगे। तो इनका मेन फोकस है एजुकेशन पर। नेक्स्ट यहाँ पर है सॉल अलिंस्की मॉडल ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, ये भी महत्वपूर्ण है। ओके, इनके द्वारा कन्फ्लिक्ट कन्फ्रंटेशन मॉडल दिया गया, इनका मेन फोकस था कन्फ्लिक्ट पर। ओके, इनका फोकस था पावर पर कि अगर आपके पास पावर है तो आप समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। इनका ऐसा मानना है कि कम्युनिटी के अंदर जो भी प्रॉब्लम है, जो कम्युनिटी कम्युनिटी जो प्रॉब्लम फेस कर रही है, ओके, इसका इसका कारण जो है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पावर, लोगों के पास पावर नहीं है, इसी वजह से जो है समस्या सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो लोगों को चाहिए कि वो एक कम्युनिटी में एक मास मोबिलाइजेशन करें, ओके, एक साथ आएँ, मिल करके आएँ और अपनी समस्या को जो है सॉल्व कर सकते हैं अगर वो एक साथ मिल करके आते हैं। ओके, इनका मेन फोकस है कन्फ्लिक्ट पर, कन्फ्रंटेशन पर, तभी उनकी समस्या जो है सॉल्व हो सकती है थ्रू द एजिटेशन, थ्रू द कंट्रोवर्सी। ओके, सो बोल सकते हैं कि ये नरम दल के नेता है, ये गरम दल के नेता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, कॉन्सेंट्राइजेशन मॉडल ऑफ सोशल एक्शन स्पीक अबाउट, जैसे मैंने बताया कि जो मॉडल है कॉन्सेंट्राइजेशन मॉडल, ये फोकस करता है एजुकेशन पर, एजुकेट पीपल।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। व्हेन पीपल बिगिन टू शेयर देयर ग्रीवेंसेस, उनकी जो समस्याएं हैं उनको शेयर करना, शिकायतें जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन दैट इंक्रीज पार्टिसिपेशन इन द सोशल मूवमेंट हैज अकर्ड, आपको बताना है कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। जब लोग अपनी जो उनकी समस्याएं, जो शिकायतें हैं, शेयर करना शुरू कर देते हैं, लोगों के साथ इकट्ठा होना शुरू कर देते हैं अपनी समस्याओं को लेकर के, तो वो कौन सी कंडीशन है जिसकी वजह से जो है पार्टिसिपेशन ज़्यादा होता है सोशल मूवमेंट के अंदर। मान लीजिए कोई सोशल मूवमेंट चलाया जा रहा है, तो लोगों की जो समस्याएं हैं, जो शिकायतें हैं, अगर वो लेकर के आएंगे, साथ में मिलेंगे, जुड़ेंगे, तो सोशल मूवमेंट चलेगा, आगे बढ़ेगा। ओके, तो कौन सी कंडीशन है आपको ये बताना है। रिक्रूटिंग मेंबर, लोगों को रिक्रूट करना, इससे मूवमेंट चलता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। इंटेंसिफिकेशन ऑफ द डिसेंट, कंडक्ट मीटिंग, मीटिंग करने से आइडेंटिफाई द मेडिएशन, या फिर मध्यस्थता करने के, कौन सा आंसर करेक्ट होगा? सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, इंटेंसिफाई द डिसेंट। जो भी असहमति है, असहमति जो है जिसकी वजह से जो मूवमेंट चलाया जा रहा है, जिस कारण के लिए मूवमेंट चलाया जा रहा है, ऑफकोर्स कोई ना कोई कारण तो होगा ना, वो जो असहमति है उसको इंटेंसिफाई करना, उसको बढ़ाना, उसको उसकी तीव्रता बढ़ा देना। ओके, तो जितने भी लोग होंगे उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेकर के, सभी लोग एक साथ मिलकर के आएंगे और मूवमेंट आगे बढ़ेगा। तो कंडीशन कौन सी होनी चाहिए? दैट्स इट, इंटेंसिफिकेशन ऑफ द डिसेंट, असहमति को बढ़ाना, उसको इंटेंसिफाई करना। सो बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, एब्रीविएशन ऑफ द कैपर्ड, इसका फुल फॉर्म क्या है आपको बताना है। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं, इसको पढ़ लीजिए और इसका आंसर दीजिए। ओके, सो आई थिंक आपने इसका आंसर सोच लिया होगा क्या है। कापार्ट क्या है? कापार्ट एक बेसिकली काइंड ऑफ बोल सकते हैं एक मीडिएटर है। ओके, एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर बनाई गई थी। इसकी ये काइंड ऑफ इंटरफेस का काम करता है सरकार के बीच में और एनजीओ के बीच में। ओके, क्योंकि सरकार डायरेक्ट तो बात नहीं करेगी एनजीओ से, तो बीच में कुछ होना चाहिए इंटरफेस। तो ये ऑटोनोमस बॉडी है, यही काम करती है इन दोनों के बीच में, और सरकार की जो स्कीम्स हैं जो भी उनको इम्प्लीमेंट करना होता है थ्रू द एनजीओ, तो इनके माध्यम से एज ए बीच में मीडिएटर काम करता है कापार्ट। दैट इज अ काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ द पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। सो फर्स्ट विल बी राइट आंसर। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1986 में, एग्जाम में ये भी आ सकता है क्वेश्चन, तो याद कर लेना, यहाँ से दो तीन क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, हियर इज द एक्सप्लेनेशन, इसको आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर इनकरेज एंड प्रोवाइड डायरेक्शन एंड गाइडलाइंस टू प्रोसीड इन कैरिंग आउट द डिफरेंट एक्टिविटीज एंड, आपको बताना है कि जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर है, जो सोशल वर्कर है, जो कि कमेटी के अंदर काम कर रहा है, ओके, कमेटी ऑर्गेनाइजेशन में, वो इंकरेज करता है, वो डायरेक्शन देता है, गाइडलाइंस प्रोवाइड कराता है, ताकि जो है डिफरेंट एक्टिविटी हो पाए, कैरी आउट हो पाए, जो भी डिफरेंट गतिविधि है उसको पूरा किया जा सकता है। तो उसे क्या बोलेंगे? कैटलिस्ट बोलेंगे, एडवोकेटर बोलेंगे, एनिमेटर बोलेंगे, एंड रिसोर्स मोबिलाइजर बोलेंगे। सो विच आंसर विल बी करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 29। सो द राइट आंसर विल बी एनिमेटर। ओके, इसका मतलब होता है, एनिमेटर मतलब होता है कि एक ऐसा पर्सन या एक ऐसा बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजर, जो कि लोगों को ऑर्गेनाइज करता है एक प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि कम्युनिटी के लोग होते हैं। ओके, डिफरेंट पीपल, डिफरेंट माइंड, ओके, वो एक साथ नहीं आते। सो एक पर्सन जो कि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर है, जिसको हम एनिमेटर बोलते हैं, जो कि सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाता है। ओके, व्हेन द पीपल कम टुगेदर, उसके बाद जो है दे प्रोवाइड गाइडलाइंस, दे प्रोवाइड डायरेक्शंस, कैसे कोई एक्टिविटी करनी है, उसके बोलते हैं एनिमेटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, द रोल ऑफ, यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं, एक एडवोकेट, कैटलिस्ट, एनिमिनेटर और गाइड, ये सभी के सभी सोशल वर्कर हैं। ओके, डिफरेंट तरीके से सोशल वर्कर काम करते हैं कम्युनिटी के अंदर। तो सोशल वर्कर का कौन सा रूप है? एडवोकेट की तरह काम करेगा, कैटलिस्ट की, या एनिमिनेटर की तरह, या गाइड की तरह? कौन सा केस में? इन टू बी रिप्रेजेंटेटिव और परसुएड द मेंबर ऑफ कम्युनिटी, एज ए रिप्रेजेंटेटिव काम करेगा और मेंबर जो है कम्युनिटी के अंदर उनको परसुएट करना, उनको तैयार करना। ओके, प्रिपेयर देम टू बी रिप्रेजेंटेटिव एज वेल एज दी रिप्रेजेंट द इशू, जो समस्या है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे कि कोई गवर्नमेंट बॉडी है, ओके, या कोई ऐसा संस्थान है जो कि उस समस्या को सॉल्व करता है या उसे डील कर सकता है, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उस गवर्नमेंट बॉडी से या अदर
प्राइवेट बॉडी है उससे डील करना, उससे अपने आप को उसको रिप्रेजेंट करना कम्युनिटी की तरफ से, ओके। एंड एडवोकेसी रोल इज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। आपको बताना है कि कौन सा रोल होगा सोशल वर्कर का, जहाँ पर वो एडवोकेसी करेगा, ओके, अपने आप को कम्युनिटी की तरफ से रिप्रेजेंट करेगा, समस्या को लेकर के जाएगा सरकार के पास, अदर गवर्नमेंट बॉडी के पास, ओके, लोगों को तैयार करेगा, प्रिपेयर करेगा, ओके। तो उसे क्या बोलेंगे, वो कौन सा रोल होगा, उसे बोलेंगे एडवोकेट। क्योंकि अगर क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो आंसर उसमें लिखा हुआ है, अनमेड रीड द एडवोकेसी रोल इज एन इम्पोर्टेंट रोल, राइट। सो दैट विल बी फर्स्ट आंसर करेक्ट। तो क्वेश्चन अगर बहुत बड़ा है तो उसको आप पढ़ेंगे तो आंसर उसमें मिल जाता है, जितना बड़ा क्वेश्चन लिखा होता है उसका आंसर उसी के अंदर छुपा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, लॉबिंग इज अ, लॉबिंग क्या है, एक मेथड है, कोई स्ट्रेटजी है, कोई अप्रोच है, क्या कोई टेक्निक है, क्या है लॉबिंग। लॉबिंग इज अ ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द लेजिस्लेशंस, ओके, कानून बनाने वालों को, कानून को इन्फ्लुएंस करना, एंड क्रिएट द लेजिस्लेटिव ऑप्शन, और नए 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 ऑप्शन तैयार करना। जैसे मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, ओके, तो उसके रिगार्डिंग नए नए ऑप्शन तैयार करके देना सरकार को कि ये ऑप्शन हो सकता है, इसको इम्प्लीमेंट करना है, ऐसे कानून बनाना तो समस्या सॉल्व हो सकती है। तो उस प्रकार के जो नए नए ओपिनियन होते हैं, ओके, जो कि ग्रुप के, जो कि कम्युनिटी के जो इंटरेस्ट हैं, ओके, उनके जो समस्याएं हैं उनको सॉल्व किया जा सकता है। सो लेजिस्लेटिव ओपिनियंस फेवरेबल टू द ग्रुप और इंटरेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ विच द लॉबी ऑपरेट, जिसके माध्यम से लॉबी ऑपरेट करती है, तो उसको क्या बोलते हैं, मेथड बोलते हैं, स्ट्रैटेजी बोलते हैं, अप्रोच बोलते हैं, टेक्निक बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक स्ट्रैटेजी। लॉबिंग क्या है, एक स्ट्रैटेजी है, लॉबिंग करना किसके किसके तरफ से, कम्युनिटी की तरफ से, ओके। सो सेकंड विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सोशल मूवमेंट, बताना है आपको सामाजिक आंदोलन का सही अनुक्रम क्या है। इमर्ज, इमर्ज का मतलब होता है कोई आंदोलन शुरुआत होती है, जब उभरता है कोई आंदोलन, जैसे अन्ना हजारे आंदोलन शुरू हुआ था, तो जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ओके, उसे बोलते हैं इमरजेंसी या इमर्ज। कोलिजन मतलब होता है काइंड ऑफ कोलिजन करना, लोगों को जुटाना, ओके, मूवमेंट को आगे बढ़ाना, कोलेबरेशन करना। ब्यूरोक्रेटाइज इसका मतलब होता है काइंड ऑफ लेजिटिमेट तरीके से कोई आंदोलन को बढ़ाना, क्योंकि अगर आप सही तरीके से अगर आप आंदोलन को नहीं बढ़ाएंगे तो सरकार के द्वारा उसको ना खत्म कर दिया जाएगा, या वो धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाता है आंदोलन। बहुत सारे ऐसे आंदोलन चलाए गए जो कि बहुत आगे तक नहीं बढ़ पाए, राइट, उसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं आया। तो जैसे कि अन्ना आंदोलन था, ओके, उसका काफ़ी इम्पैक्ट हुआ, तो वो लेजिटिमेट हो गया था, वो लोगों की तरफ से उसको हेल्प मिली, या फिर बोल सकते हैं कि सरकार की तरफ से भी जो है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं बनाया गया, उन्होंने अपना जो आंदोलन किया प्रॉपर तरीके से, बहुत बड़े बड़े लोग उससे जुड़े, तो काइंड ऑफ उसको लेजिटिमेशन मिल गया था, ओके, कि अपना धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेटाइज करना, काइंड ऑफ लेजिटिमेट करना, सक्सेस। उसके बाद आता है सक्सेस, आपका सोशल मूवमेंट सक्सेस होगा या फिर फेलियर होगा, दोनों में से कोई हो सकता है, और लास्ट में आएगा डिक्लाइन और ख़त्म हो जाता है, राइट। या तो अपने, या तो वो ख़त्म कर दिया जाता है सरकारों के द्वारा, या फिर लोग उसको छोड़ के चले जाते हैं मूवमेंट को, या फिर सक्सेस होने के बाद वो डिक्लाइन कर जाता है। सो कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, तो पहला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, सही क्रम लगा हुआ है। इमरजेंस, कोई मूवमेंट स्टार्ट होता है, कोलिजन्स मतलब होता है लोग जुड़ते हैं उससे, एक साथ आते हैं काफ़ी लोग, ब्यूरोक्रेटाइज होना, लेजिटिमाइज करना पूरे के पूरे मूवमेंट को, ताकि कोई दुविधा, कोई प्रॉब्लम ना आए उसमें मूवमेंट को चलाने में, सक्सेस जो फेलियर होगा या फिर डिक्लाइन करेगा। सो बी विल, फर्स्ट विल बी राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 33, इसको आपको पेयर करना है, लिस्ट वन है, ये लिस्ट सेकेंड है, बताइए कौन सा कोड इसमें करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट में जो क्वेश्चन होता है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, और कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन होता है, सो इसको आपको अच्छे से सॉल्व करना है, एग्जाम में आ सकता है। दीज आर द मॉडल, लेजिस्लेटिव मॉडल, सोशल एक्शन मॉडल, सोशल सेंक्शन मॉडल जिसको इकोनॉमिकल सेंक्शन बोलते हैं, डायरेक्ट फिजिकल मॉडल एंड डायरेक्टिकल मॉडल। सो कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, पॉज करके आंसर लगा सकते हैं। देखिए, लेजिस्लेटिव जो सोशल एक्शन मॉडल होता है, इसका फोकस होता है कि जो सोशल पॉलिसी है उनको बदलना, उनमें बदलाव करना, ओके, और एक पब्लिक पब्लिक ओपिनियन बनाना कोई समस्या के रिगार्डिंग। देखिए, एक पब्लिक ओपिनियन बनेगा तभी तो सरकार को पता चलेगा ना, मीडिया के माध्यम से, है ना, पब्लिक ओपिनियन के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, तभी कोई नया कानून बनेगा। जैसे सती प्रथा को बैन किया गया था, या फिर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आया था, या फिर
जो सीनियर सिटीजन एक्ट आते हैं, या फिर कई एक्ट जो है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, ये कैसे आते हैं? ये बेसिकली पहले पब्लिक ओपिनियन देखा जाता है कि डिमांड क्या है, ओके क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है सोसाइटी में, ओके उसके आधार पर सोशल पॉलिसी बनाई जाती है। तो ये है आपका लेजिस्लेटिव मॉडल। इसमें एलिट क्लास जो होती है हेल्प करती है, नई नई स्ट्रैटी बनाती है, नई टेक्निक बनाती है, ओके जैसे कि पहले राजा नाम रॉय थे उनके द्वारा हेल्प की गई थी किस प्रकार से सस्ती सिस्टम को बंद करना है, केजरीवाल हैं, ये सभी जो है एलिट क्लास होती है, इन लोगों ने काफ़ी हेल्प की नए नए कानून बनाने के लिए। ओके सो इसे बोलते हैं लेजिस्लेटिव मॉडल। सोशल सेंक्शन मॉडल जिसको आप इकोनॉमिकल सेंक्शन मॉडल बोलते हैं, या डायरेक्ट फिजिकल मॉडल, धरना प्रदर्शन करना, मार्च निकालना, ये उसे बोलते हैं डायरेक्ट फिजिकल मॉडल। और डायरेक्ट इकोनॉमिक मॉडल का मतलब होता है कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम होता है उसके खिलाफ में काइंड ऑफ एक कंट्रडिक्शन, कन्फ्लिक्ट करना, कन्फ्लिक्ट को प्रमोट करना, इस उम्मीद के साथ कि जो आने वाला जो नेक्स्ट वाला जो सिस्टम होगा वो बेहतर होगा। जैसे कि ये 2014 में नारा लगाया था बीजेपी पार्टी ने, अच्छे दिन आएंगे, मतलब जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो ठीक नहीं है और अगर सरकार चेंज होती है तो आने वाला समय बेहतर होगा, उस कारण से मतलब एक कंट्रडिक्शन तैयार करना सिस्टम के अंदर, एक कन्फ्लिक्ट को प्रमोट करना लोगों में, ताकि लोग जो है उस सिस्टम के खिलाफ हो जाएं, और इस उम्मीद के साथ कि जो फ्यूचर वाला जो आने वाला जो नया सिस्टम होगा इमर्ज होकर आएगा वो बेहतर होगा पहले वाले से, उसको बोलते हैं डायलेक्टिकल मॉडल। ओके सो राइट आंसर विल बी डी। ओके सो दीज आर द 33 क्वेश्चन गाइज, हियर इज द एक्सप्लेनेशन। इसको आप पढ़ सकते हैं, इसकी PDF आपको ग्रुप में मिल जाएगी, आप ओके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो थ्योरी वाला PDF था ये भी अवेलेबल है, और ये भी मिल जाएगा आपको ग्रुप में। ओके सो दीज आर द मॉडल एलिस्ट सोशल एक्शन मॉडल, इनको पढ़ सकते हैं आप। ओके गाइस सो आउट ऑफ 33 क्वेश्चन आपके कितने करेक्ट हुए बताइए कमेंट बॉक्स में, और जो भी क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं जो बाय मिस्टेक है जैसे भी, उनको आपको रिवाइज करना है, वो सभी चैप्टर को रिवाइज करना है, जितने भी क्वेश्चन गलत हुए हैं उनको, कौन सा चैप्टर है कौन सी यूनिट है उनको रिवाइज कर लेना ताकि क्वेश्चन आगे गलत ना हो। एंड अगर आप कोई भी कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं, एप्लीकेशन को मिल जाएगा आपको गूगल प्ले स्टोर पर, और ये कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके गाइस सो थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको वीडियो सही लगा तो। थैंक यू सो मच।